हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक के स्टॉक के बारे में। दोस्तों यहां पर क्या अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है वो हमें जानना है। शॉर्ट टर्म में दोस्तों यहां पर एक अच्छा खासा पैसे कमाने का मौका दिखाई दे रहा है। कितने प्राइस पर बाइंग करनी है, कितना टारगेट हो सकता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। दोस्तों 14th ऑफ जून को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन डेफिनेटली आप देख पाएंगे इसे मार्केट ओपन होने से पहले, मतलब 15th ऑफ जून को, क्योंकि उसी दिन के लिए ये वीडियो है। जबरदस्त यहाँ पर प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता हुआ दिखाई देता है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं बीएससी की साइट के ऊपर और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए अभी के टाइम पर ये स्टॉक जो है तकरीबन 37.35 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आरओई इसका बहुत ही कम है, तकरीबन 4.5 का यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑल्दो किसी भी स्टॉक का अगर 10 से ज्यादा का आरओई होता है तो हम अच्छा मानते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये स्टॉक कंप्लीटली एक शॉर्ट टर्म के लिए, जो अभी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है तभी के लिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं, तभी के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। एज अ लॉन्ग टर्म फॉर श्योर मैं आपको बिल्कुल भी यहां पर बाइंग करने की सलाह नहीं दूंगा। और दूसरी बात दोस्तों, अगर हम इसके आज के प्राइस एक्शन को देखें तो आप देखिए तकरीबन ये स्टॉक जो ओपन हुआ था 35.75 में ओपन हुआ था, इसने हाई बनाया 37.55 का और एडजस्टेड क्लोजिंग जो है वो तकरीबन 37.35 पे दिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं, राइट। किसी भी स्टॉक में अगर उसका फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव होता है तो आप ये मानकर चलिए कि हम वहां पर शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। ये फीचर मार्केट मोजो में अवेलेबल है, लेकिन बीएससी की साइट पर आप इसे फ्री में देख सकते हैं। कहाँ पर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर देखिए वेरी पॉजिटिव नजर आ रहा होगा, फाइनेंशियल ट्रेंड जो है अभी फिलहाल इस स्टॉक का वो वेरी पॉजिटिव है। दैट मींस कि अभी यहाँ पर हम एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं इन अ फंडामेंटल लेवल, लेकिन एंट्री कहाँ पर लेनी है ये जानना बहुत जरूरी है। सब पहले मैं आपको कुछ और पॉइंट्स भी दिखा देना चाहता हूँ। चलिए चलते हैं स्क्रीन की साइड के ऊपर। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में क्लिक करता हूँ तो आप देखिए, अच्छा इस स्टॉक की प्रॉब्लम थोड़ी बहुत रही है, वो क्या है देखिए, सेल्स ग्रोथ यहाँ पर 15% आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर नीचे देखिए, राइट, जो कि अच्छा माना जाता है 10 सालों का 15% का मेंटेन करके रखना, ये एक अच्छी बात है, 10% से ऊपर होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, सीएजीआर जो है इसका माइनस में दिखाई दे रहा है, राइट, इससे भी कम से कम 10% होना चाहिए और यहाँ तो नेगेटिव में है। सो फॉर श्योर लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी मैं ये चीज आपको क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आप समझ पाए कि ऐसे स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना है। बट यस, अगर हम एक स्विंग ट्रेडर है और हमें कहीं पे अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है ना शॉर्ट टर्म पीरियड, और वहां से अगर हम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं तो वाई नॉट, हमें वो अपॉर्चुनिटी जरूर उठानी चाहिए। इसके अलावा एक चीज और भी यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो ये कि जैसे आप मनी कंट्रोल की साइड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न पर क्लिक कीजिए, राइट, और यहाँ पर देखिए जो इसकी प्रमोटर होल्डिंग है वो काफी ज्यादा है, तकरीबन 89% से ज्यादा की यहाँ पर होल्डिंग दिखाई देती है। अब आप बोलेंगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि इस टाइम पर जो सेबी का रूल है, किसी भी कंपनी के पास में 75% से ज्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिए, राइट। इनको अभी अपने कुछ स्टेक को ऑफर फॉर सेल या फिर किसी और तरीके से पब्लिकली करना ही पड़ेगा, जो कि अभी के टाइम पर अगर आप देखें तो पब्लिक के लिए केवल 5.9% ही अवेलेबल है। बाकी जो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो तकरीबन 4.37% उन्होंने रखा हुआ है, और फॉरेन इन्वेस्टर जो है तकरीबन 0.66% होल्डिंग बनाकर यहाँ पर रखे हुए हैं। और आने वाले टाइम पर डेफिनेटली आपको यहाँ पर कुछ होल्डिंग क्या 75% लाना पड़ेगा, तो यहाँ पर तकरीबन 14-15% की होल्डिंग जो है आपको ऑफर फॉर सेल वगैरह में आती हुई नजर आएगी। अच्छी बात दोस्तों यहाँ पर क्या हुई है, अब वो भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो एक आज का वॉल्यूम दिखाई दिया है, वॉल्यूम जो जनरेट हुआ है वो काफी कमाल का है, राइट। देखिए पिछले महीने के मुकाबले या फिर हम बात करें पिछले वीक के मुकाबले, यहाँ पर जो आज का वॉल्यूम जनरेट हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है, राइट। तकरीबन 6 करोड़ का वॉल्यूम दोस्तों जनरेट हुआ है, जिसमें से तकरीबन 3 करोड़ की एनएससी बीएससी मिलाकर मैं बात कर रहा हूँ डिलीवरी उठाई गई है, आप यहाँ पर देखिए, राइट। सो ये एक पॉजिटिव बात है अभी के टाइम पर। और साथ ही में इसका अगर हम कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 88% का कम्युनिटी सेंटीमेंट दिखाई देता है, जो कि बाइंग करने के लिए दोस्तों यहाँ पर बोल रहे हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। अभी बात ये आती है कहाँ पर हमें बाइंग करनी चाहिए, राइट। सो देखिए मैं यूनियन बैंक के चार्ट के ऊपर ऑलरेडी आ चुका हूँ, और यहाँ पर अगर मैं इसके चार्ट पे ब्रेकआउट को ड्रॉ करूँ तो आप देखिए कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ये देखिए
परफेक्ट। तो देखिए दोस्तों, ये कमाल का एक पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है, और जैसे ही दोस्तों इस ब्रेकआउट को क्रॉस करेगा यहाँ पर जबरदस्त जंप दिखाई देगी। इसकी सपोर्ट लाइन बना लेते हैं। चलिए ये देखिए इस तरीके से कुछ रहेगा, राइट। दोस्तों ये ब्रेकआउट बनता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। अभी बात ये आती है कि किस प्राइस पर ब्रेकआउट आ रहा है। तो देखें कल के दिन जैसे ही ये 37.30 रुपए को क्रॉस करता है, आप मोटा मोटा मानकर चलिए 37.50 रुपए, जैसे ही 37.50 रुपए को क्रॉस करके ऊपर जाता है वहां पर हमें ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आ जाएगा। देन आफ्टर हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। कितने टारगेट के लिए जा सकते हैं हम? तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर हम 10% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। मतलब दोस्तों अभी ये स्टॉक चल रहा है तकरीबन 37.50 रुपए पर, आप मानकर चलिए तो तकरीबन 41 से 42 रुपए तक के टारगेट हमें यहाँ पर इजिली दिखाई दे सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों इस चीज का फायदा जरूर उठाएगा। अभी अगर हम दोस्तों इसके लास्ट टाइम हाई की भी बात करें तो देखिए ये स्टॉक जो है तकरीबन 45 के प्राइस तक ऑलरेडी जा चुका है। सो अगर 41 को ये क्रॉस करता है तो उसका जो अगला टारगेट होगा वो 45 ही होगा। बट मेरे ख्याल से उतना वेट करना यहाँ पर सही नहीं होगा। आपने अगर यहाँ पर एंट्री लेनी है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको 41 पर प्रॉफिट लेकर निकल जाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की, तो बिल्कुल आज के दिन का जो इसका लो था उसको ही आप इसका स्टॉप लॉस मानकर चलिए, मतलब तकरीबन 35.25 जो है वो इसका स्टॉप लॉस होगा। इस प्राइस के अगर नीचे आता है तो आप यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन जितना मुझे लगता है बिल्कुल भी इससे नीचे नहीं जाएगा। आज के दिन यहाँ पर ब्रेकआउट आने वाला है और जबरदस्त दोस्तों हमें यहाँ पर प्रॉफिट भी मिलने वाला है। बाकी दोस्तों आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको भी लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट कमाया जा सकता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।